एक आदमी सालगिरह थी साहब, वो मेहरारू आई, बोली वो देखो पड़ोसी है, अपनी सालगिरह पे फूलों से सेज सजाता है। तो पति हमारे जैसा था, उसने बोला उसका फूलों का बिजनेस अपना मिर्ची का। बता कल ही मनाता हूँ सालगिरह। एक नेता जी एक धोबी के पास गए और बोले ये पकड़ो 2000 और ऊँट मुझे ही देना। तो धोबी ने कहा महाराज मेरा पूरा खानदान ऊँट आपको देगा, आप मुझे एक गधा ला के दे दो बस, मेरा गधा मर गया है। तो नेताजी ने बोला यार ये सस्ती डील है, अपन कर देते हैं। दूसरे दिन नेताजी खाली हाथ पहुंचे और बोले भाई भैया 2000 पकड़, तू अकेले ही ऊँट देना। बोले क्यों? बोले 10000 के नीचे कोई गधा नहीं मिला मुझे। तो धोबी ने बोला जब 10000 में गधा नहीं बिकता है तो मैं कैसे बिक जाऊं। मैंने एक से पूछा नेता से कि यार ये सारी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले भाई भगवान को खुश करना चाहते हैं हम। तो भगवान को खुश करना चाहते हैं क्या मतलब? बोले भगवान कहाँ रहते हैं? बोले आसमान में। बोले क्या पसंद है उनको? बोले भाव पसंद है। बोले बस वही पहुंचाना चाहते हैं। मुझे तो याद है एक आम के पेड़ के नीचे दो महिलाएं 1.5 घंटे तक बात की, तो एक आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो दोनों महिलाओं ने कहा आम का फल कैसे गिरा, या आम का फल कैसे गिरा? तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। एक दिन हम देरी से स्कूल पहुंचे तो गणित के अध्यापक थे, उसने बोला देरी क्यों हुई? मैंने कहा सर जिस रास्ते से मैं आता हूं उसमें बहुत सारा कीचड़ है, एक कदम आगे रखता हूं तो 2 कदम पीछे फिसल जाता हूं। तो मास्टर गणित का था, उसने कहा जब तू 1 कदम आगे रखता है 2 कदम पीछे फिसल जाता है तो स्कूल पहुंचा कैसे? मैंने कहा सर मैं घर की तरफ मुंह करके चलना शुरू किया। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना? बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना? मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी पड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब, मैं सच बताता हूँ। शुक्र है आपके आते ही लाइट आ गई, वरना पड़ोसन तो गेट से ही लौट गई थी घर में अंधेरा देख के। तो मोमबत्ती जला लेती? माचिस किचन में थी ना, तो किचन से ले लेती। किचन में जाने के लिए मैं नहाई हुई नहीं थी। नहाई क्यों नहीं थी? क्योंकि पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? क्योंकि टंकी खाली हो गई थी। और टंकी क्यों खाली हुई थी? क्योंकि मोटर नहीं चला था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? कितनी बार बताऊं तुम्हें, लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट आ गई, जाके नहा लो, मैं पड़ोसन से पूछ के आता हूँ क्यों आई थी। सुन यार कढ़ाई पनीर बना ले, आज बहुत दिन हो गए। कढ़ाई पनीर पता भी है कितना टाइम लगता है? दाल चावल बना रही हूँ, चुपचाप खा लेना। या मेरी जीन्स नहीं धोई तूने? हाँ बस यही तो काम रह गया मेरे पास, आप रोज उतारते जाओ मैं रोज धोती जाऊँ। अभी ये 3 बार पहनी है, 2 बार और पहन लो तब धोऊंगी। रुको अब जा कहाँ रहे हो? बताया तो था दोस्तों के साथ मूवी का प्लान है। वाह इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ मुझे शॉपिंग ले चलो, दोस्तों के साथ तो बड़ी जल्दी प्लान बना लिया, पहले मुझे लेके चलो फिर जाना जहाँ जाना है। A few moments later. अरे बहन क्या बताऊं, दुखी कर रखा है इन्होंने। मिल गई है ना शरीफ सी, कोई तेज तरार मिलती ना तब पता चलता।